नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त ही होंगे। अगर आप मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो मैं मैक मिनी यूजर, मैक ओएस यूजर से पहले एक विंडोज यूजर था जो कि मैंने 5 साल यूज किया। दोस्तों अब मैं जब मैक मिनी पर शिफ्ट किया हूँ, मैक ओएस में आया हूँ, तो मुझे ऐसे 7 डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, तो आपके साथ शेयर करना मैं जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ऐसे क्या डिफरेंसेस है विंडोज लैपटॉप या विंडोज सिस्टम और एक मैक ओएस में, तो वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो इस टॉपिक पर यूट्यूब पर ये वीडियो आपको पहली बार शायद देखने को मिल सकता है, तो आप इसके लिए चैनल को कंसीडर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों अगर पहली डिफरेंसेस की बात किया जाए वो है इसके एप्लीकेशन। दोस्तों मैक ओएस में इसका जो एप्लीकेशन है, इसकी जान है, शान है, आपको फाइनल कट प्रो, लूमा फ्यूजन, आई मूवीज, गैराज बैंड और तमाम बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको विंडोज में नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर फाइनल कट प्रो की बात करें तो आप इसमें शानदार वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारा कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। ये पेड है और ये लगभग 30,000 में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये लाइफ टाइम के लिए है और इस पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियोस भी बनाया है। तो मैक ओएस के सारे एप्स है वो कितने कितने का आता है, अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं चेकआउट कीजिए, आई बटन में देखने को मिल जाएगा और सारी जानकारी आपको बिल्कुल दे दी जाएगी कौन सा ऐप कितने में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो शानदार है। उसके साथ ही साथ दोस्तों आई मूवीज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको मैक मिनी में, मैक ओएस में, तो आई मूवीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर्स हैं, आईपैड यूजर्स हैं, तो आप वीडियो एडिटिंग के लिए कभी ना कभी तो आई मूवीज का इस्तेमाल किए होंगे। बेसिक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि मुफ्त मिलता है आपको मैक ओएस में। तो विंडोज और मैक ओएस में अगर प्रोडक्टिविटी की तुलना की जाए तो ये जो इसके एप्लीकेशन है मैक ओएस में, विंडोज के अपेक्षा बहुत ही शानदार है। फोटो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई और तमाम तरह के जो भी म्यूजिक क्रिएशन हो गया, आपको लॉजिक प्रो मिल जाएगा, गैराज बैंड मिल जाएगा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मैक ओएस को विंडोज से अलग बना देता है। अब दोस्तों दूसरे डिफरेंसेस की बात किया जाए विंडोज और मैक में, तो वो है रिलायबिलिटी। दोस्तों अगर आप एक मैक ओएस लेते हैं, कोई लैपटॉप लेते हैं या मैक मिनी लेते हैं, तो ये आपको 5 से 10 साल तक का इजिली बिल्कुल अपडेटेड आपको यूज करने के लिए दिखाएगा। आपको 5 से 7 साल एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर आप रन कर पाएगा, लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं है। इसके परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउनग्रेड होते जाती है। मैं एचपी का लैपटॉप यूज कर रहा था तो उसमें भी यही प्रॉब्लम देखने को मिला। धीरे धीरे 2-3-4-5 साल में ही उसका कुछ ना कुछ दिक्कत होना शुरू हो गया, लेकिन आप मैक ओएस लैपटॉप वगैरह कुछ भी इसके साथ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। समय के साथ ये और निखरते जाता है। लास्टिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये परफेक्ट है और आईफोन्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता ही है कितना लास्ट करता है और एप्पल के प्रोडक्ट लास्टिंग के लिए ही जाना जाता है। तो विंडोज और मैक में एक ये भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर तीसरी डिफरेंसेस की बात किया जाए तो ये है एप्पल का इकोसिस्टम। अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है और अगर आपके पास लैपटॉप है, मैकबुक है या मैक मिनी यूज कर रहे हैं, तो इसके जो इकोसिस्टम तैयार होगा बिल्कुल कमाल का होगा। अगर आप सेम एप्पल आईडी से लॉग इन किए हुए हैं अपने आईपैड प्रो को, अपने आईफोन को, अगर आप अपने आईफोन से कोई भी आर्टिकल को कॉपी करते हैं तो इजिली आप मैक ओएस में, आप अपने मैक मिनी में उसको जाकर पेस्ट कर सकते हैं। और जो इसमें एयर ड्रॉप सिस्टम दिया गया है दोस्तों, ये कमाल का है। ये बिल्कुल बड़े बड़े लार्ज फाइल को बिल्कुल चंद मिनटों में यहां से वहां ट्रांसफर कर देता है, ये एक कमाल का है। और अगर आप आईपैड प्रो यूज कर रहे हैं तो जब विंडोज क्रिएट होगा इसका, मैक मिनी का, एक विंडोज से दूसरे विंडोज में इजिली मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन काम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम एप्पल तैयार किया है और सभी लोग जानते हैं एप्पल इकोसिस्टम का कमाल। दोस्तों इन फ्यूचर इसके इकोसिस्टम पर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, उसके लिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कोई सवाल है जरूर से आप पूछिए। दोस्तों अगर चौथे डिफरेंसेस की बात किया जाए तो उसमें दोस्तों इसके मल्टीटास्किंग है। दोस्तों अगर मल्टीटास्किंग की बात कर लिया जाए तो विंडोज सिस्टम की अपेक्षा ये जो मैक ओएस है बिल्कुल कमाल का है। विदाउट एनी लैग हैंगिंग आप सारे कुछ इजिली फ्लॉलेस कर सकते हैं, यहां तक कि जिसमें मैक ओएस वेंचुरा में जो स्टेज मैनेजर आया है इसकी वजह से आप बहुत शानदार तरीके से इसको आप मल्टीटास्किंग के रूप में कर सकते हैं। अगर विंडोज की बात किया जाए तो विंडोज में आप देखते थे इस तरह से आपको स्प्लिट विंडोज में काम करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही आप मैक ओएस में शिफ्ट कीजिएगा तो इसका जो स्टेज मैनेजर है और इसमें जो ड्रैग इधर से इधर आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं विंडोज को, तो कमाल का फीचर दिया गया है। इसकी वजह से और अलग लेवल की चीज बन जाता है ये मैक ओएस। जो डिफरेंसेस मैंने फेस किया, जो मेरे साथ हुआ, मैं ऐसा कोई धाकड़ यूजर नहीं हूँ सिस्टम का कि मैं दिन रात यूज करते रहता हूँ, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ कि ये अंतर, ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात किया जाए तो दोस्तों ये है इसके एप्लीकेशन क्लोजिंग का।
दोस्तों विंडोज में आप देखते थे कि कोई भी एप्लीकेशन अगर डॉक में आप ड्रैग करके लाए हैं, पिन किए हैं, उसको अनपिन करने के लिए, इसको हटाने के लिए आपको विंडोज में जाना पड़ता था, वहां से सेटिंग करना पड़ता था। लेकिन आप मैक ओएस में डायरेक्ट इसको नीचे जो पॉइंट दिख रहा है यहां से इसको आप राइट क्लिक करके यहां से क्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको क्यूट कर सकते हैं। यहां तक कि अगर नहीं हो रहा तो फोर्स क्यूट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेशन क्लोजिंग है बिल्कुल शानदार है, और एक साथ कई एप्लीकेशन आप रन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सारे एप्लीकेशन आप खोल दीजिए विंडोज में, लैग नहीं देखने को मिलेगा और सब विंडोज एक साथ खुल जाएगा। कोई भी इसका प्रोसेसर इतना तगड़ा है कि सारा कुछ इजिली झेल लेता है। तो ये जो एप्लीकेशन क्लोजिंग का स्टाइल है ये विंडोज की अपेक्षा ज्यादा बेटर और ज्यादा कूल लगता है। ये जो एप्लीकेशन है इस पर ले जाने के बाद ये उभर कर बाहर 3D के रूप में आता है, ये कमाल का एक्सपीरियंस देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल भी है, और यहाँ पर आप मनचाहा सारे एप्लीकेशन को रख सकते हैं, हटा सकते हैं बहुत ही इजी। दोस्तों अगर नेक्स्ट चेंजेस की बात कर लिया जाए तो उसके स्पॉटलाइट सर्च है, कमांड प्लस स्पेस बार आप दबाइए, ये प्रकट हो जाएंगे तुरंत। इसके साथ जोड़ घटाओ गुना कुछ भी आप कर पाइएगा, कुछ भी सर्च कीजिए, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, या कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सिस्टम में कहां पड़ा है, आप इसको तुरंत टाइप करके बहुत ही इजी, बहुत फास्ट कन्वीनियंट तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन होने की जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन है तो और अच्छी चीज है, जो नेट से सर्च करना है आप कर पाएगा। तो ये स्पॉटलाइट सर्च बहुत शानदार दिया है मैक ओएस में। दोस्तों अब इसका जो सातवां डिफरेंस है उसकी तरफ चलते हैं, ये भी काफी मजेदार है। ये जो है इसके कंट्रोल सेंटर, आईफोन और आईपैड की तरह आपको मैक ओएस में भी कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, और इसका कंट्रोल सेंटर का जो कस्टमाइजेशन है और ये जो यूजर एक्सपीरियंस है बहुत मजेदार है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ यहाँ से आप इजीली हैंडल कर पाइएगा, यहाँ तक कि आप अगर इसको साइड से जहां पर आपको टाइमिंग दिखा रहा है वहां पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको कुछ और चीजें प्रकट होंगी उभर करके जो और मजेदार है। यहाँ से फोटोज वगैरह चेंज होता रहता है, यहाँ आपको क्लॉक देखने को मिल जाएगा, कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एप्पल की तरफ से मैक ओएस सोनोमो आ रहा है उसमें ये सब जो जो डिजिट्स हैं जो आपको देखने को कूल मिल रहा है ये आईफोन की तरह आपको हमेशा डिस्प्ले पर आप उसको सेट कर पाएगा। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे क्या क्या स्पेशल फीचर्स होने वाले हैं। उसके लिए सब्सक्राइब करके बने रहिए और दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए। तो दोस्तों ये जो कंट्रोल सेंटर में जो कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक कि आप एयर ड्रॉप और बहुत सारी चीजें जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं जिस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से बहुत ही कन्वीनियंट और इजी टू यूज कर देता है, जो कि विंडोज में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलता है। तो एक विंडोज यूजर अगर मैक ओएस में शिफ्ट करता है ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। और तो अगर आप मैक ओएस में शिफ्ट किए हैं और जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको मैक में क्या चीज पसंद नहीं आई विंडोज से अगर मैक में शिफ्ट किए हैं। दोस्तों हाँ, विंडोज वालों के लिए ये सुविधा है कि वहां जो एप्लीकेशन है आप इजी टू यूज, आप आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और बहुत से फ्री एप्लीकेशन जो है आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है क्रैक वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैक ओएस में कोई क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं, आजकल सब संभव है, सब लोग चलाते हैं, सब कुछ आपको गूगल पर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर कुछ दिक्कत हो रहा है आपको जरूर से कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, मैं हूं ना कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर के आपके लिए आ ही जाऊंगा। तो दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।